यूक्रेन में छिड़े युद्ध में भारतीय छात्रों के फंसे होने पर उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध पूर्व से ही संभावी लग रहा था, तब केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों को निकालने का कार्य नहीं किया, लेकिन जब युद्ध छिड़ गया और भारतीय छात्र छात्राएं वहां फंस गए तब सरकार ने निकालने का प्रयास किया। यदि समय रहते कार्यवाही की गई होती तो एक भारतीय छात्र की मौत भी नहीं होती। वहीं उन्होंने कहा कि यूक्रेन के अधिकारियों का हमारे भारतीय छात्रों के साथ व्यवहार भी संदिग्ध है। वही छात्र यूक्रेन में यदि बॉर्डर तक पहुंच भी जा रहे हैं तो उनको बॉर्डर भी पार करने नहीं दिया जा रहा है। खुले आसमान में छात्र छात्राएं रहने को मजबूर है, जिनके वीडियो भी सामने आ रहे हैं। अभी तक हमारी भारतीय एम्बेसी को ये भी नहीं पता है कि हमारे छात्र कहाँ है। वही उन्होंने कहा कि इसको राष्ट्रीय संकट मानते हुए हमारे भारतीय छात्रों को सकुशल वापस भारत लाया जाए। स्थिति में है जिस तरीके के वीडियोस वायरल हो रहे हैं वो स्थितियाँ चिंताजनक है और यूक्रेन के अधिकारियों का व्यवहार भी हमारे छात्रों के साथ संदिग्ध है। बॉर्डर तक जो पहुंच भी जा रहे हैं तो उनको बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है। खुले आसमान में बर्फ के नीचे छात्र छात्राएं रह रही हैं, तो बहुत सारी चिंताजनक खबरें यूक्रेन से आ रही हैं। ये स्थिति आनी नहीं चाहिए थी। करीब एक महीने से लग रहा था कि युद्ध अवश्य संभावी है। आप क्या देखते रहे कि युद्ध हो जाए तब हम निकालें? आप पहले से अपने छात्रों को निकाल करके लाते, अपने नागरिकों को, और आज भी हमारे एम्बेसी को ये मालूम नहीं है कि कौन छात्र कहाँ है, कॉन्टेक्ट नहीं है। हम कोई ऐसे मानवीय पहलू है इसमें हम बहुत कटु बात नहीं कहना चाहते। हम चाहते इसको एक राष्ट्रीय संकट मान करके हमारे लोगों को सुरक्षित लाए सरकार, मगर मैं नहीं समझता कि कोई अनुभवी सरकार इस तरीके का की गलती करेगी और इतना विलम्ब करेगी। आवाज इंडिया के लिए लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।